हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M क्लासेज में। आज का ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम एक मैराथन क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज इस मैराथन क्लास के अंदर मैं आप सभी को आपकी संपूर्ण फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वीडियो काफी शानदार होने वाला है बच्चों। इस वीडियो के अंदर से आपका जो 16 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसको नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर क्वेश्चन मैंने लिख के बच्चों आप सभी के लिए PDF तैयार किए बच्चों। इस PDF का जो आपको सोल्यूशन है बच्चों वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको क्लासों का अपडेट भी दिया जाता है। बच्चों, आप सभी से मुझे एक शिकायत यह है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही क्लास के बाद आप ये कमेंट करते हो कि आज की सर क्लास कैसी लगी। बच्चों, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और आपके लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट तैयार करते हैं। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन इसमें टाइप किए हुए हैं बच्चों। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन सामने आ चुका है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता होगी। क्षमता आपसे पूछी जा रही है। लेंस बच्चों कौन सा है? उत्तल। तो फॉर्मूला होता है पी बराबर में 100 सेंटीमीटर बटे में एफ। एफ का मान आप रखोगे 20 से आपका 100 कट जाएगा 5 बार, तो 5 डायोप्टर आपका आंसर आने वाला है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश अपरिवर्तित होता है। देखिए, आप सभी ने पूर्ण आंतरिक परावर्तक कंडीशन पढ़ी होगी। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर बच्चों आपका होने वाला है वो आपका जल से क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में प्रकाश किरण विरल माध्यम से गई है सघन माध्यम में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपसे कह रहा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश से 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ये आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। आप भी बच्चों ऑप्शन बताते हुए चलिए, कोई ऑप्शन यदि गलत लगता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? ये आपका प्रकाश क्या है बच्चों, उत्कीर्णन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आपसे पूछ रहा है यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेश किया जाए तो उसके अंदर व्यूह होगा। बच्चों, पहली बात तो कोई चालक होता है उसके अंदर आवेश मौजूद होता ही नहीं, और जहां आवेश नहीं होगा वहां ना तो वोल्टेज होगा ना ही आपका विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब आपका मान होने वाला है 0। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा? तो ये आपका होने वाला है भाई 0। क्यों बच्चों? क्योंकि परिपथ क्या है, खुला हुआ है। जब परिपथ आपका पूर्ण नहीं है तो धारा तो बहना बहेगी ही नहीं बच्चों, धारा तो बहेगी ही नहीं, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी है, तो महत्तम चाल आप सभी से पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है बच्चों वो आपको बताना है। देखो, फॉर्मूला होता है टी बराबर में 2πr बटे में वी। तो आप कह सकते हो ये जो वेग है बच्चों इसके क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है किसी चालक को ई विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी का मान होगा। अनुगमन का मतलब है बच्चों अपवहन वेग, यानी कि ड्राफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे। फॉर्मूला होता है वीडी बराबर माइनस का ई टोर अपॉन में एम। तो आप देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है एक आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है, तो ये बच्चों आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा? 0, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। यदि ये वोल्टमीटर होता तो आपका अनंत आ जाता, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, ये आपका दिक्पात कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है एक तार का प्रतिरोध आर है,
इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों आपका 8R हो जाएगा। यदि बच्चों आपको किसी भी क्वेश्चन का, यदि पर्सनली आपको डाउट पूछना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको भेज देंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 8R। मैं आप सभी को थोड़ा सा बच्चों एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 8R कैसे आया। शुरुआत में आपका तार था बच्चों, इसका व्यास मान लीजिए शुरुआत में क्या है, डी है, तो व्यास डी है तो त्रिज्या हो जाएगी डी बाई टू, राइट। अब देखिए तो आर बराबर होता है फॉर्मूला रो एल अपोन में ए, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो रो एल इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई आर का स्क्वायर। लंबाई मान लीजिए तार कितनी है एल, अब यहां पर आप आर का मान जमाओगे डी बाई टू, तो डी का स्क्वायर बटे में चार हो जाएगा, यानी कि आपको मिलने वाला है यहां से आर का मान, मैं आप सभी को बता दूं आपको मिलेगा चार रो एल बटा में पाई डी का स्क्वायर, डी कर लीजिए इसको पाई डी का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। उसके बाद आप कह रहा है इसको खींचकर व्यास आधा कर दिया, यानी कि व्यास पहले डी था अब व्यास कर दिया डी बाई टू, तो बच्चों व्यास आधा हुआ है उस तार का, ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी मतलब डी बाई फोर, तो यहाँ आप डी बाई फोर जमाओगे तो चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 जब आपका बच्चों ऊपर जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों होगा क्योंकि लंबाई भी आपकी क्या होने वाली है 2 गुणा होने वाली है, तो वहां से आपको बच्चों 32 मिलेगा, 32 को आप 8 गुणा 4 लिख दोगे और ये 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर आप यहाँ पर जमा दोगे आर, तो ये 8R आपका होने वाला है। तो सी ऑप्शन बच्चों आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती हुए है, समांतर संयोजन में आपका वोल्टेज यानी विभवांतर समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8 × 10⁻¹⁷ कूलम बटे केजी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या N1 और N2 है। याद रखिए जब उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाइव बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, इकाई धनावेश का यानी कि एक इसका मान है अपॉन में एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए छोटी बूंदों से बड़ी बूंद की धारिता निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है सी बराबर में, इसको मैं बी कह दूँ बड़ी बूंद की धारिता, सी एम एस कह देते चलो इसको स्मॉल है ना, तो फॉर्मूला होता है एन की पावर 1/3, एन है बूंदों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो सी बी बराबर में 5 × 64 को आप 4³ लिख सकते हो, इसकी पावर 1/3, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 20 माइक्रोफेरड आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 6 माइक्रोफेरड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता आपसे पूछी जा रही है। देखो याद रखिए यदि आपको न्यूनतम धारिता चाहिए बच्चों, न्यूनतम धारिता चाहिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा न्यूनतम के लिए श्रेणी क्रम में, यदि आपको अधिकतम धारिता चाहिए तो आपको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, तो पहले न्यूनतम के लिए निकाल लेते हैं, तो न्यूनतम के लिए कौन से क्रम में जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, 3 है तो 3 के लिए श्रेणी क्रम का सी एस बराबर में 1/C1 6, 1/C2 6 है, 1/C3 6, तो ऊपर से आपका 3/6, 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार, सी एस निकालोगे तो आपका 2 माइक्रोफेरड आ जाएगा, तो बच्चों देख सकते हो 2 माइक्रोफेरड ऑप्शन बी में भी है ऑप्शन सी में भी है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी तो बिल्कुल कट हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए आप क्या करोगे इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे, और संधारित्र समांतर क्रम में धारिता होती है सी पी बराबर में C1 + C2 + C3, तो 6, 6, 6, 18 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण चुंबक के क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती, ये आप सभी को बताना है, तो ये आपके होते हैं बच्चों गामा किरण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? चौक कुंडली का, तो इसका आपका होता है 0। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है बायो सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र क्या है? सही सूत्र आपको बताना है, और ये जो सूत्र है ना बच्चों, ये आपका सदिश रूप में आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकेल क्या है बच्चों? निकेल आपको बताना है क्या है, ये आपका एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है, तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर में एन माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस का 1/r2। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20। तो r1 का मान जो लिया जाता है वो प्लस में 20 लेंगे, और जो r2 लिया जाएगा वो माइनस में क्या लेंगे बच्चों? 20 लेने वाले हैं। तो फॉर्मूले में रखिए 1/f बराबर में एन का मान 1.5 माइनस का 1 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। 1.5 में से आप 1 को घटाते हो 0. क्या आने वाला है? 5 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2/ क्या आने वाला है? 20। तो 2 से आपका 20 10 बार कट जाएगा, तो यहाँ आप पॉइंट हटाते हो तो 5/ में क्या आने वाला है? 100। तो 5 से आपका, तो 5 से आपका भाई 100 कट जाएगा, कितनी बार? 20 बार। एफ निकालोगे तो 20 आपका टॉप पर चला जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर आपका आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण अपवर्तनांक 3/2 से पानी 4/3 में संचरित करती है, क्रांति कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो थीटा सी का मान होता है साइन इनवर्स n2/n1, ये आपका फॉर्मूला है। तो n2 देख सकते हो आप 3/2 है, और n1 आपका 4/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो 9/8 आने वाला है अंदर बच्चों। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे कह रहा है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कालांतर कितना होता है? तो ये आपका होता है हमेशा भाई पाई 180 डिग्री कालांतर होता है। देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आपसे कह रहा है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटोन का समान होगा, तो ये आपका संवेग समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है पी बराबर एच अपॉन में लेमड़ा, एच आपका कॉन्स्टेंट है और तरंग दैर्ध्य क्या है? दोनों की समान है, तो संवेग क्या हो जाएगा भाई? समान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, तो ऊर्जा आपसे पूछ रहा है किसके समानुपाती होने वाली है, ये बच्चों आपको सभी को बताना है। तो देखिए आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी का EN बराबर होता है माइनस का 13.6 Z/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपका जो ऊर्जा है ना वो जेड क्या होती है भाई? समानुपाती होती है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। देखो आपको पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं तो आप मिश्रण करोगे 13 वर्ग की अशुद्धियों का, यदि आप एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो आप मिश्रण करते 15 वर्ग की अशुद्धियों का, तो यहाँ 13 वर्ग का जो तत्व है बच्चों आपका बोरोन होने वाला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या है, नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? धारिता आपसे पूछी जा रही है इस सर्किट की। देखो आप कैसे निकालोगे, ये दोनों जो संधारित्र है आपके ये कौन से क्रम में है? समांतर में। समांतर में क्या होता है? दोनों का जोड़ होता है, तो 3+2 क्या बन जाएगा? 5। अभी 5 बन गया इससे और एक 4 ही रहा, तो ये कौन से क्रम में जुड़ गया आपके? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई और बटे में दोनों का टोटल, तो 4×5=20 बटे में 9 आपका हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मॉडम ए वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस एवं डीमोलेसेशन दोनों के लिए। बट बच्चों इस साल आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, गलती से टाइप हो गया है, इसको आप मत करना, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपसे कह रहा है 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दो आवेशों की निकाय की आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, U बराबर क्या होता है भाई?
के क्यू वन क्यू टू बटे में आर होता है, राइट। देखिए के का मान होता है 9 × 10⁻⁹ गुणा क्यू वन का मान कितना है 10, क्यू टू का मान कितना है माइनस का 10, दूरी आप कितनी है 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 10⁻², से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, ये बच्चों आप 100 का भाग लगा दोगे, बात वही है, राइट। अब देखिए ये पावर ऊपर जाएगी बच्चों, आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ, ये आपका 2.25 माइनस का आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप कैसा है आपका माइनस का है इसी वजह से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपसे कह रहा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होगा। देखिए निरक्षीय स्थिति में और अक्षय स्थिति में आपसे विद्युत विभव पूछा जा सकता है, फॉर्मूला होता है V बराबर में KP cos थीटा बटे में R का स्क्वायर। तो निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है मतलब आपसे 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है, तो cos 90 का मान आपका 0 हो जाएगा, तो वोल्टेज आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 60 वोल्ट तथा 40 वोल्ट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, शक्ति आपसे पूछी जा रही है, तो कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लाई बटे में दोनों का टोटल, तो 6 × 24 2400 / 100, तो 00 से 00 कट गए, 24 आपका आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात है, देखो दो प्रकार की घात होती है, एक तो प्रेरणिक प्रतिघात और एक होती है धारितीय प्रतिघात, आपसे पूछा गया है प्रेरणिक प्रतिघात, तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा का मान होता है 2πfL, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर धारितीय प्रतिघात पूछता तो एक्स सी होता है 1/ में ओमेगा सी, तो फॉर्मूला हो जाता 2πfC, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बच्चों क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ रहा है, लेकिन आप ध्यान से हर चीज़ को करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आपसे कह रहे हैं तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला है क्यू बराबर में NE, राइट, एन का मान निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बटा में ई, क्यू का मान आप रख सकते हो धारा की परिभाषा से I गुणा में टी बटा में ई, तो धारा का मान 1 एम्पीयर है, टाइम आपका 1 सेकंड है, तो 1 × 1 तो 1 रह गया, सिर्फ आपको 1 में इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगाना है, तो n बराबर में 1.6 × 10⁻¹⁹, ये पावर आपके ऊपर जाएगी 10⁻¹⁹ प्लस की बटे में 1.6, पॉइंट हटा तो ऊपर 10⁻²० बटे में आपका आ जाएगा 16, ऊपर वाली पावर को आप 100 × 10⁻¹⁸ बटे में आप 16 में तोड़ दोगे, 16 का आप 100 में भाग लगाते हो ना बच्चों, तो जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो 6.25 × 10⁻¹⁸ आपका इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है चुंबक क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबक के आगुण वाले धारा पास द्वारा अनुभत बल टोर का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अणुचुंबक पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, ये आपकी क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनोमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों क्या है, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबक की सुई की आवृत्ति N हो तो आपको रिलेशन बताना है कौन सा संबंध सही होने वाला है आवृत्ति और चुंबक के क्षेत्र के बीच में, तो मैं आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा पर आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस 1.5 को पानी n बराबर 1.33 में डुबोया जाता है तब यह व्यवहार करता है, तो याद रखिए उत्तल लेंस की तरह यह व्यवहार करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरे का बच्चों सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45,
आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर आपका ए बिंदुकता, यानी कि ए जो बिंदुकता का जो रोग है बच्चों, उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या है, ये आप सभी को बताना है। तो इसका है आपका तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, बिंदु आवेश कारण जो तरंगाग्र बनता है बच्चों, वो आपका हमेशा कैसा बनता है, गोलाकार बनता है, और रेखीय कारण कैसा बनता है, बेलनाकार बनता है, और अनंत दूरी पर रखा हो तो समतल आपका तरंगाग्र बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो याद रखिए बच्चों, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो हमेशा कैसा होता है, सतत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं अर्ध आयु काल। क्या कहते हैं बच्चों, अर्ध आयु काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से अर्ध चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित शून्य होगा। देखो, जब अभी आप तापमान दोगे तो सह संयोजक बंध टूटेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन होल्स का क्या होगा, निर्माण होगा, और धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फिर घटेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 बच्चों, ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको नहीं करना, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल एफ न्यूटन है, उनके बीच की दूरी आधा करने पर विद्युत बल का मान होगा। देखिए, शुरुआत में बल एफ लग रहा था, अब आपने दूरी क्या कर दिया, आधा। तो देखो, जो बल होता है वो दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी आपने आधा करी है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ है वो आपने आर बाई टू का स्क्वायर कर दिया। इसको आप सोल्व करते हो तो आपका आएगा 4/r का स्क्वायर, जो बल है बच्चों ना वो 4f होने वाला है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में धारा I का मान क्या होगा। तो धारा I इस पॉइंट से गुजर रही है, देखो इस पर 16 आ रही है बच्चों, तो प्लस की 16, और 8 जा रही है तो माइनस की 8, तो 16 में से 8 गया तो 8 एम्पियर आपकी धारा होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 दो बल्ब दिया हुआ है बच्चों, इसमें से किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रतिरोध बच्चों किसका ज़्यादा होने वाला है। एक तो 25 वोल्ट है, एक आपका 100 वोल्ट है, यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ भी 220 वोल्ट है, ठीक है, वोल्टेज बच्चों। तो जिसका कम वाट का जो बल्ब है बच्चों, उसकी शक्ति क्या होने वाली है, शक्ति बच्चों कम है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे, इसका मापा जाता है, ये आपका वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है, क्योंकि बच्चों नाम सेल विद्युत वाहक बल है लेकिन ये क्या करता है, वोल्टेज का मापन करता है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मात्र क्या होता है, वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है 0, 1, -1, अनंत। तो याद रखिए, इसका होता है अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायनोमो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछ रहा है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होता है। तो याद रखिए, जो पथांतर होता है, डेल एक्स बराबर बच्चों, डेल एक्स बराबर होता है 2n+1λ/2। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ये आपके ऊर्जा का मापन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बामर श्रेणी हो जाएगा। बट बच्चों, इस साल आपको इस सिलेबस में नहीं पढ़ना, क्योंकि कुछ भाग इसका कट गया है, कुछ भाग है, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो आपके लिए सही रहेगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 जो राइट आंसर है बच्चों गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी। बच्चों पूर्ण तरंग दृष्टिकरण का मतलब क्या होता है, ये पूरी कंप्लीट धारा को चेंज कर देता है। तो 50 की आई है तो किसमें चेंज कर देगा, 100 हर्ज में ये बदल देगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होगा, जिस पर कोई आवेश नहीं होगा वो आपका नहीं होगा, मतलब न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 भी बच्चों आपको नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो मैं समझा देता हूँ। भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए तो 10^5 मेगाहर्ट्ज़ से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बच्चों आपकी क्या है, घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामिति LG तथा चुंबक की लंबाई LMS संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कह रहा है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक बच्चों जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी क्यूरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, तनुकरण को मापा जाता है, तो डेसीबल से तनुकरण को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, आपसे कह रहा है 0 केल्विन पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कुचालक जैसा। तो बच्चों ये थे आपके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने एक ही वीडियो में नस्ते नाबूद कर दिया। ये बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको जो 16 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इसको ढंग से तैयार कर लीजिएगा। यदि भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपकी सेवा में खुला हुआ है। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तब भी आपको कमेंट करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे आपके लिए और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ला पाए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।